दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज है 13 जुलाई 2018 और 13 जुलाई 2018 की करंट अफेयर्स में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए अब मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर आपको मैंने मैथ रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक में समझाया है बहुत ही आसान और इजी रूम में। एक बार वीडियो अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का लर्निंग एप्स डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप सर्च में उदय प्रकाश डालकर हमको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का एक तरीका ये भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कल के कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये था, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि गिरफ्तारी के ज्ञापन और जमानत बॉन्ड में जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने सही दिया है, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जुलाई को कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है। तो दोस्तों जुलाई में BSNL ने देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है, आंसर हो जाएगा आपका डी BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने 5 पुलिस पदक शुरू किए हैं। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 पुलिस पदक शुरू किए हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक में 136 करोड़ की धोखाधड़ी होने पर CBI ने 3 मामले दर्ज किए हैं। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक में 136 करोड़ की धोखाधड़ी होने पर CBI ने 3 मामले दर्ज हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में किस देश को 57वां स्थान मिला है। तो दोस्तों जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत को 57वां स्थान मिला है, आंसर हो जाएगा आपका डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने सीवर की सफाई के लिए टेक्नोलॉजी चैलेंज शुरू किया है। तो दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सीवर की सफाई के लिए टेक्नोलॉजी चैलेंज शुरू किया है, आंसर हो जाएगा आपका ए। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, आंसर हो जाएगा आपका बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत को की कौन सी रैंक है। तो दोस्तों हाल ही में WIPO द्वारा जारी की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक है 57, आंसर हो जाएगा आपका बी 57वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा खेल सड़क जहाजरानी सहित 10 समझौते व एक दस्तावेज टोटल 11 पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ ऊर्जा खेल सड़क जहाजरानी सही 10 समझौते पर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GDP के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। तो दोस्तों GDP के मामले में फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, आंसर हो जाएगा आपका डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शवांग बंदरगाह का संबंध किस देश से है। दोस्तों हाल ही में रहा शवांग बंदरगाह इंडोनेशिया से संबंधित है, शवांग बंदरगाह, आंसर हो जाएगा आपका सी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस हाई कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि तमिल भाषा में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा एनटीटी 2018 देने वाले उम्मीदवारों को 196 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे? आंसर हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट, आंसर हो जाएगा आपका ए। मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि तमिल भाषा में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा एनटीटी 2018 देने वाले उम्मीदवारों को 196 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक सर्कुलर जारी कर रहा है कि बढ़ा हुआ वजन नहीं घटाने पर स्टेट रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? कर्नाटक पुलिस, आंसर हो जाएगा आपका सी। कर्नाटक पुलिस ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि बढ़ा हुआ वजन नहीं घटाने पर स्टेट रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी कानून के तहत केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राजस्व क्षतिपूर्ति कानून में कितने संशोधनों का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों कुल 46 संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। आंसर हो जाएगा आपका ए 46। जीएसटी कानून के तहत केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राजस्व क्षतिपूर्ति कानून में 46 संशोधनों का प्रस्ताव दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण समझौते के बाद बना सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए किस देश ने अपना ग्रीष्मकालीन असैन्य रक्षा अभ्यास स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने अपना ग्रीष्मकालीन असैन्य रक्षा अभ्यास स्थगित कर दिया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया के साथ परमाणु निश्चितीकरण समझौते के बाद बना सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए दक्षिण कोरिया ने अपना ग्रीष्मकालीन असैन्य रक्षा अभ्यास स्थगित कर दिया है। यह क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विकास DIPP द्वारा जारी 2017 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य लगातार दूसरे साल पहले पायदान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश पहले पायदान पर रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ए आंध्र प्रदेश। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP द्वारा जारी 2017 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे साल पहले पायदान पर रहा। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के अनुसार 2018 में कौन सा देश IT सेवाओं के निर्यात के मामले में लगातार दूसरे साल दुनिया में अव्वल रहा? दोस्तों भारत, आंसर हो जाएगा आपका बी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के अनुसार 2018 में भारत IT सेवाओं के निर्यात के मामले में लगातार दूसरे साल दुनिया में अव्वल रहा। यह क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों गुजरात में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा आपका सी गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा राज्य में यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया। यह क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसी दूसरे देश की राज्यसभा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यसभा के पहले सभापति का नाम क्या है? तो M बकाया नायडू, जो कि सभा के पहले सभापति बन गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका D M बकाया नायडू। अस्तित्व में आने के 76 वर्षों में पहली बार राज्यसभा में एम बकाया नायडू की अध्यक्षता में संसदीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी विदेशी राज्यसभा के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? यह क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य अब कितनी भारतीय भाषाओं में सदन में बोल सकेंगे? तो राज्यसभा के सदस्य अब भारतीय भाषाओं में अब सदन में कुल 22 भाषाओं में बोल सकेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ए 22। राज्यसभा के सदस्य अब किसी भी भारतीय भाषा में अपनी बात सदन में रख सकेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी 11 जुलाई।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर MSME के लिए भारत कोरिया टेक्नोलॉजी एक्सचेंज केंद्र की स्थापना की गई? तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में MSME के लिए भारत कोरिया टेक्नोलॉजी एक्सचेंज केंद्र की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली। भारत और दक्षिण कोरिया के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME को साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत कोरिया टेक्नोलॉजी एक्सचेंज केंद्र की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित ब्रिटिश सैनिकों की हत्या में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा आपका डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अस्थिर सुरक्षा स्थिति में मदद करने के लिए वहां सैनिकों तथा सैन्य साजो सामान में वृद्धि करने के लिए ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। यह भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों आज की क्विज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FASSI ने स्वस्थ FMCG उत्पादों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है द इट हेल्दी राइट आंदोलन, बी है द इट राइट आंदोलन, सी है द इट सेफ आंदोलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था 13 जुलाई 2018 का करंट अफेयर, जो कि SSC बैंक रेलवे यानी कि हर काउंटेड एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।